स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज है मेरे हाथ में ज़ेरोनिक्स का ज़ेप फेम जो कि 2.0 एक स्पीकर है और इसमें आपको यूएसबी पावर मिल जाता है। ठीक है, ये अलग से आपको मतलब पावर आप एसी या डीसी कनेक्शन नहीं दे सकते, आप इसमें लैपटॉप या फिर मोबाइल से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मोबाइल से कनेक्ट करना है तो आपको एक एडेप्टर लगेगा, जो चार्जर लगता है आपका, उस चार्जर में ही कनेक्ट करके आप लगा दीजिए पावर में। ठीक है, और इसका जो ऑक्स केबल है जो 3.5 mm जैक है उसे लगाइए मोबाइल में। चलिए पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह का इसका ऑडियो आउटपुट कैसा है, क्या क्या इसमें मिल जाता है। ये देखिए एक वॉल्यूम कंट्रोल बटन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा स्पीकर भी है, शायद मोबाइल लगाते वक्त आपको यहाँ पे कॉलिंग के लिए यहाँ पे माइक का इस्तेमाल ये कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही छोटा सा है और ज़्यादा लाइट वेट, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, लाइट वेट है ये और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब उसका लुक्स और बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगा, हाथ में भी ये बहुत ही अच्छे से मतलब यहाँ पे आ रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है हाथ को। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कंट्रोल के लिए दिया गया है और एक माइक भी दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे और कोई बटन नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए यहाँ पे एक बटन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, स्क्रॉल करके आप अप डाउन कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ 400 to 500 के अंदर ही मुझे मिल गया ये। ठीक है, वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, थोड़ा कम में आपको ये मिल जाएगा। ये है ज़ेप फेम 2.0 ज़ेरोनिक्स की तरफ से, और इस प्राइस रेंज के आसपास जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स थे मुझे ये सबसे ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, चलिए इसको हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। मैंने इसे यहाँ पे मोबाइल पे कनेक्ट किया हुआ है और पावर दिया है मेरे लैपटॉप से। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये इसी स्पीकर से आ रही है। यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्शन किस तरह से दिया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3.5 mm जैक लगाया हुआ है मोबाइल पे और यूएसबी लगाया है अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, आप अगर सिर्फ अपने मोबाइल से ही बजाना चाहते हैं तो 3.5 mm जैक लगाइए मोबाइल में, और जो पावर की जगह आप अपना यूज़ करिए चार्जर, चार्जर को लगाइए और प्लग पॉइंट में लगा के आप आराम से यूज़ कर सकते। ऑडियो यहाँ पे काफ़ी लाउड एंड क्लियर ऑडियो है, देखिए पॉज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक ठाक ऑडियो है और काफ़ी अच्छा है और लाउड भी है। अगर छोटा सा कमरा है तो आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए स्पीकर को लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और वहाँ की ऑडियो को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप में आपका यहाँ पे 3.5 mm जैक तो होगा ही, ये देखिए मेरा इस तरफ है और एक USB पोर्ट होगा। ठीक है, तो USB वाला USB में लगाइए पावर के लिए और 3.5 mm जैक लगाइए आपका ऑडियो के लिए। तो यहाँ पे मैंने USB लगा दिया और 3.5 mm जैक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब YouTube में मेरा व्लॉग वीडियो चलाते हैं। नए व्लॉग में सबसे पहले तो मैंने गमछा डाल के सीट की बुकिंग कर ली, फिर मुझे याद आया अरे यार मेरे टिकट की बुकिंग तो पहले ही हो चुकी थी। और ट्रेन की जर्नी बहुत ही मज़ेदार होती है, आप लोग मुझे बताइए कि आपने लास्ट ट्रेन की जर्नी लॉन्ग टूर कब किया था। फिलहाल चलिए यूट्यूब में कोई म्यूजिक प्ले करके देखते हैं कि साउंड किस तरह का यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो वॉल्यूम अप डाउन करके मैंने आपको ये दिखा दिया कि ऑडियो क्वालिटी इसका कितना अच्छा है, और अगर छोटा सा कोई कमरा है आपके पास तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा आपका और बहुत ही बढ़िया ऑडियो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और जितना भी बेस आप बढ़ाएं या फिर साउंड बढ़ाएं तो आपका यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई भी यहाँ पे मतलब जो स्पीकर्स थोड़े से फटते हैं यहाँ पे ज़्यादा साउंड होने पर वो आपका यहाँ पे फील नहीं होता है, और काफ़ी स्मूथ साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है ज़ेरोनिक्स ने। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा, 300 से 400 के अंदर भी मिल सकता है ऑनलाइन में अगर कोई ऑफर आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, अगर आपको परचेस करना तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.